तेज खबर पैनी नजर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, एक्शन मोड में एसपी सुजाता सिंह दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो लगातार बीच बीच में इस तरीके के निरीक्षण करती रहती हैं ताकि अधिकारी अपना काम करते रहें। बंदीगृह थाना परिसर की साफ सफाई का उन्होंने जायजा लिया, थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। एक्शन मोड में एसपी सुजाता सिंह दिखाई दे रही हैं और उन्होंने थाना हरदी का औचक निरीक्षण किया। बंदीगृह थाना परिसर की साफ सफाई का उन्होंने जायजा लिया और इसके अलावा थाना कार्यालय में जो अभिलेख रखे हुए थे उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया। हालांकि एसपी सुजाता सिंह लगातार सक्रिय है और बीच बीच में वो औचक निरीक्षण करती रहती हैं ताकि जो भी कर्मचारी हैं वो अपना काम ठीक से करते रहें। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? जी प्रीति, आपको बता दें कि वहाँ पे जो थाने का औचक निरीक्षण करने के दौरान जो वहाँ पे खामियां मिली हैं उसको लेकर एसपी ने कड़ी फटकार लगाते हुए तो जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी अनियमितताएं वहाँ पर पाई हैं, अभिलेखों का उन्होंने निरीक्षण किया है, तो इस दौरान क्या कुछ पाया उन्होंने और क्या इस दौरान किसी पर कोई कार्रवाई की उन्होंने? जी प्रीति, आपको बता दें कार्रवाई तो अभी नहीं की है लेकिन उनको सख्त हिदायत दे दिया है कि जिस तरीके से वहाँ पे फाइलों में अनियमितता और वहाँ पे फरियादियों के आने पर जो भी वहाँ पे निरीक्षण किया तो उसमें अधिकतर मामले लंबित पाए गए, जिसको लेकर एसपी ने कड़ी फटकार लगाते हुए वहाँ के थानेदार को कड़ा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी मामलों का निस्तारण करके उसकी कार्रवाई को अवगत कराएं। जी, यहाँ पर हम कई बार देखते हैं जो एसपी सुजाता सिंह है वो लगातार सक्रिय हैं और इसके बावजूद भी यहाँ पर अनियमितताएं पाई जा रही है। हालांकि पहले के मुकाबले अब देखा अगर जाए तो इतनी सक्रियता दिखाने के बाद क्या इन अनियमितताओं में कर्मचारियों के काम करने के रवैये में कुछ बदलाव आया है? जी प्रीति, आपको बता दें जिस तरीके से एसपी सुजाता सिंह लगातार औचक निरीक्षण और कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए लगातार निरीक्षण कर रही है, जिसके चलते यहाँ पे कई थानों में औचक निरीक्षण के बाद में खामियां मिली, जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ के थाना अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया और थानेदार को भी सस्पेंड कर दिया। लेकिन फिर भी ऐसी हालत सामने आती रहती है कि जहाँ पे देखा जा रहा है कि उनके औचक निरीक्षण में कुछ न कुछ कमियां निकलती रहती है और वहाँ पे अधिकारियों को फटकार भी लगाती है। जी शुक्रिया हमारे साथ राहुल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी सुजाता सिंह एक्शन मोड में हैं और हरदी का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, वहां पर उन्होंने बंदी परिसर का भी उन्होंने निरीक्षण किया है और अभिलेख जो थे उनको भी उन्होंने देखा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।